हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप गलगुटियाज यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि गलगुटियाज यूनिवर्सिटी के जो सेकंड सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। जो डेट है वो गलगुटियाज यूनिवर्सिटी की जो LMS वेबसाइट है वहाँ पर डेट दी हुई है कि 16 फरवरी से आप 22 फरवरी तक जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप 22 फरवरी के बाद रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, ऐसा गलगुटियाज की LMS जो वेबसाइट है वहाँ पे दिया हुआ है। और दिया हुआ है तो सच भी होगा, तो आप कोशिश करें कि जो रजिस्ट्रेशन है वो 22 फरवरी से पहले ही निपटा लें या ख़त्म कर लें या कंप्लीट कर लें। और जो प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल एंड ईजी स्टेप से बताने वाला हूँ कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ हैं कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट जो हमें सेकेंड सेमेस्टर में सिलेक्ट करने हैं और कौन कौन से नहीं करने हैं, क्योंकि अभी जो iCloud पे जो आपका रजिस्ट्रेशन सेक्शन है वहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट दिखा रहे हैं। तो बहुत से लोग कन्फ्यूज हैं कि कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो सिलेक्ट करने हैं हमें। तो बहुत ही सिंपल एंड इजी तरीके से मैं बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। वैसे तो आप सभी को आपके CR के थ्रू बताया जा चुका होगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, बट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बताया गया है, आपको करके नहीं दिखाया गया कि कैसे कैसे आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और दिखाता हूँ आपको कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है सेकेंड सेमेस्टर के लिए। ये जो प्रोसेस है ये सभी सेमेस्टर के लिए सेम रहने वाला है। ठीक इसी तरीके से आपको थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, बस आपके जो सब्जेक्ट हैं वो अलग रहेंगे, बाकी जो प्रोसेस है वो सेम रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और दिखाता हूँ आपको रजिस्ट्रेशन करके। तो अभी मैं आ चुका हूँ iCloud के पोर्टल पर। यहाँ पर मैं अपनी लॉगिन ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन करूँगा। तो जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ वैसे ही मेरे सामने कुछ अभी ऑप्शन खुलेंगे। थोड़ी सी साइट स्लो है इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, तो ये ऑप्शन खुल जाएंगे मेरे सामने। तो इसके बाद मुझे जो क्लिक करना है वो कॉलेज इन्फो पे क्लिक करना है। ये जो ऑप्शन है यहाँ पे कॉलेज इन्फो पे, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा वैसे ही मेरे सामने फिर से कुछ ऑप्शन खुलेंगे, जिसमें से रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन है इस पर मुझे क्लिक करना है। फिर इसके बाद कोर्स रजिस्ट्रेशन वाले पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं कोर्स रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करूँगा वैसे ही मेरे सामने एक ऑप्शन जो है पॉपअप होगा, प्लीज़ सिलेक्ट क्लास फ्रॉम लेफ्ट मेन्यू फॉर कोर्स रजिस्ट्रेशन। मतलब क्लास सिलेक्ट करनी है जिस भी क्लास में आप हैं और जो भी सेमेस्टर के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अभी मेरी जो क्लास है वो BTEC CS है और सेकेंड सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। आपकी जो भी क्लास होगी BCA होगी BBA होगी वो आपको यहाँ शो करेगा। अभी पता नहीं मेरे सामने ये दो जो ऑप्शन है वो क्यों खुले हुए हैं सेकंड सेमेस्टर के। एक जो है कलर्ड है, मतलब कलर फिल हुआ है, दूसरे में नहीं है। पता नहीं क्यों आ रहा है, आपके में भी आ रहा होगा, हो सकता है ग्लिच और या फिर ऐसे ही मतलब शो कर रहा है। तो अभी हमें जो फर्स्ट ये जो ऑप्शन है बिना कलर्ड उस पर क्लिक करना है। सेकेंड सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन करना है मुझे। आपको जो भी हो थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर वो यहाँ शो करेगा। तो अब बारी आती है जो सब्जेक्ट सिलेक्शन की है। यहीं पे बहुत सारे लोग परेशान हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं हमें, कौन से नहीं करने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ एक्सेल सीट पे। ये जो एक्सेल सीट है आप सभी को आपके CR के थ्रू मिल जाएगी या भेज दी गई होगी। इसमें जो है आपके सभी सब्जेक्ट दिए हुए हैं जो आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं और कैसे कैसे सिलेक्ट करने हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये सीट अगर आपको नहीं मिली है तो आप CR से मांग सकते हैं, या फिर यही सीट जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, मैंने लिंक एक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है इसी सीट की, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली ये सीट सभी के लिए सेम है जो BTEC मतलब जो BTEC कोर्स है उन सभी के सब्जेक्ट इसमें दिए हुए हैं। आपके जो BBA हो गया BCA हो गया इन सब के लिए आप अपने CR को कॉन्टैक्ट करें। इसके बाद मुझे देखने को मिलेगा कि यहाँ दो सीट हैं। एक जो है फर्स्ट सेमेस्टर की सीट है, जो हमें सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में मिले थे वो सब चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट जो मिले थे। वैसे आपको पता होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मिले थे फर्स्ट सेमेस्टर में क्योंकि आपने पढ़ा है, फिर भी आप आपकी जानकारी के लिए चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सभी सेक्शन दिए हुए हैं कि कौन कौन से सेक्शन को कौन कौन से सब्जेक्ट अलॉट हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर में जो रजिस्ट्रेशन है वो कॉलेज ने ही करके दिया था और आप सभी ने अगर ऑडिटोरियम में जो हुआ था जो शुरुआत का जो रहता है, मुझे ध्यान नहीं क्या कहते उसे, अगर उस अटेंड किया था तो उसमें बताया गया था कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन है वो हम खुद करके देते हैं, यूनिवर्सिटी करके देती है, एंड सेकेंड सेमेस्टर के लिए आपको खुद से रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो ये दो सीट हैं, इसमें फर्स्ट सेमेस्टर की ये सब्जेक्ट है एंड सेकेंड सेमेस्टर में अभी हमें सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, इस वजह से हम सेकेंड सीट को सिलेक्ट करेंगे।
तो ये जो सीट है इसमें सभी सब्जेक्ट दिए हुए हैं सेक्शन वाइज, जिस भी सेक्शन को जो से सब जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो ये देख सकते हैं कि पहले में 24 से 40 जो सेक्शन हैं उनको कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, वो ये सब्जेक्ट जो है सिलेक्ट करने हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ सब्जेक्ट जो हैं ब्लैक ब्लैक हो रखे हैं। ये ब्लैक ब्लैक इस वजह से हो रखे हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट जो आपको सिलेक्ट नहीं करने हैं, जो कलर्ड सब्जेक्ट हैं सिर्फ वही सिलेक्ट करने हैं। ये जो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो ये प्रोग्राम दिया हुआ है, इसके बाद सेक्शन दिया हुआ है कि जो भी सेक्शन है आप ये सेक्शन जिस भी सेक्शन आपको अलॉट हुआ है, जो इस भी सेक्शन में आप अभी पढ़ रहे हैं उसी सेक्शन के सामने जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप कोर्स नेचर दिया हुआ है, यहाँ पे जो कोर लिखा हुआ है ये जो कोर जिसमें लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट आपको कंपलसरी सेलेक्ट ही करने हैं, इस वजह से यहाँ पे कोर लिखा हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे रोलिंग पेपर दिया हुआ है ये RP, और इसके बाद ये दूसरा RP जो मतलब टोटल क्रेडिट में RP 1 RP 2 दिया हुआ है, एंड ये RP में क्रेडिट दिए हुए हैं कि आपको कितने क्रेडिट हैं आपके सेमेस्टर के और जो आपको सिलेक्ट करने हैं सब्जेक्ट। तो अभी हम चलते हैं वापस वहीं पे, एक बार मैं अपने सब्जेक्ट देख सकता हूँ कि मुझे अपने सब्जेक्ट कौन से सिलेक्ट करने हैं। तो मुझे कुछ ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, और अभी मैं चलता हूँ वही जो GUI क्लाउड है यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वो सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे और सेकंड सेमेस्टर में जो आप पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि जो आपको सब्जेक्ट मिले थे वो अब किसी और को मिलेंगे, मतलब सेकंड सेमेस्टर वालों को मिलेंगे। तो आपको अल्टरनेट सेलेक्ट करने हैं। अल्टरनेट का मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो इसे आप अल्टरनेट छोड़िए, सिर्फ आप ये समझिए कि आपको जो सब्जेक्ट हैं वो सिर्फ एक्सेल सीट वाले ही सिलेक्ट करने हैं। मैं एक बार फिर से सब्जेक्ट देखता हूँ कि मैं ध्यान से उतर गया, तभी मैं ये सब्जेक्ट देखता हूँ। मैंने सब्जेक्ट देख लिए हैं, अब मैं सेलेक्ट करता हूँ अपने सारे सब्जेक्ट। तो सबसे पहले मुझे सेलेक्ट करना है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यस आई एम श्योर पे क्लिक करना था वहाँ पे। अभी मैं दोबारा से ऑप्शन आएगा फिर मैं बताऊँगा उसके बारे में। तो अभी देख सकते हैं कि जो टोटल क्रेडिट हैं वो 4 अभी ऐड हो चुके हैं मेरे क्रेडिट में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम क्रेडिट हैं जो 23 हैं, जो सब्जेक्ट के क्रेडिट हैं वो उसी के सामने लिखे हुए हैं। तो आपको टोटल 23 क्रेडिट के सब्जेक्ट, 23 मतलब सिलेक्ट करने क्रेडिट। सब जैसे जैसे आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे वैसे आपके जो क्रेडिट हैं वो ऐड होते जाएंगे, मैक्सिमम आप 23 क्रेडिट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम अगला सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, ये जो योगा है इसे भी मुझे सिलेक्ट करना है, इसमें 0 क्रेडिट है, 0 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। तो अभी इसके बाद सेमी कंडक्टर फिजिक्स है, ये मैं फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ चुका हूँ इस वजह से इसे नहीं सिलेक्ट करूँगा। ऊप्स अब मुझे सिलेक्ट करना है। तो इसके बाद फिर से ये अब मतलब जो जैसे जैसे हम सब्जेक्ट सिलेक्ट करते जाएंगे वैसे क्रेडिट ऐड होते जाएंगे। आप देख सकते हैं अभी 9 क्रेडिट हो चुके हैं। इसके बाद इंजीनियरिंग डिजाइनिंग एंड प्रोटोटाइपिंग इसे मुझे सिलेक्ट करना है, ये मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं था। तो अब 13 क्रेडिट हो चुके हैं आप देख सकते हैं। और ये रोलिंग पेपर दोस्तों, इसे आपको कैसे पता करना है कि रोलिंग पेपर में कौन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो आप फिर से एक्सेल सीट पर जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये कोर्स नेचर में आपको दिखा है लिखा हुआ है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है रोलिंग पेपर 2 में होगा, वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं, और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो मैंने सिलेक्ट किया था ये आप देख सकते हैं रोलिंग पेपर 2 में है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है दोस्तों, अभी एक डाउट दिखाऊंगा आपको, अभी दिखेगा मुझे, तो उसमें भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं एक बार। तो अभी मैं आ चुका हूँ फिर से सब्जेक्ट सिलेक्शन पे। तो अभी सिलेक्ट करते हैं हम ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ये भी मैंने पढ़ा हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर में, इस वजह से नहीं सिलेक्ट करूँगा। और इसके बाद ये देख सकते हैं CBM, मुझे ये भी सिलेक्ट करना है। तो मैं चाहूँ तो ये सब्जेक्ट सिलेक्ट मतलब यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, वरना CBM एक नीचे भी दिया हुआ है कोर में, ये तो रोलिंग पेपर में है और नीचे कोर में भी दिया हुआ है। इसके लिए मुझे एक बार चेक करनी पड़ेगी अपनी एक्सेल सीट उसमें क्या लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं जो CBM है ये CBM इलेक्टिव 1, इसमें मतलब हम कोर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और रोलिंग पेपर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एनी और एनी ऑफ लिखा हुआ है, मतलब दोनों में से किसी एक का सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐड सिर्फ एक ही होगा। तो फटाफट से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो अभी मैं ये वाला नहीं कोर वाला सिलेक्ट करूँगा जाके। तो कम्युनिकेशन इसके लिए ये भी मैंने पढ़ लिया, तो फटाफट से मैं सिलेक्ट करता हूँ वीडियो को लंबा ना करते हुए। तो इसके बाद कौन सा था, केमिकल एंड, ये देखिए कोर में ये जो CBM है इसे सिलेक्ट करता हूँ मैं, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मटेरियल। अभी मेरे 16 क्रेडिट हो चुके हैं टोटल,
इसके बाद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ये भी ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको एक बार बता देता हूँ इसमें क्या है, ये तो आपको पता ही होगा वैसे, इसे बताने की जरूरत नहीं है। अगर कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, सिलेक्ट नहीं होगा। अगर ये सही एम सी ओर पर क्लिक करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा और क्रेडिट हमारे सब्जेक्ट में ऐड हो जाएंगे। अभी टोटल 19 क्रेडिट हो चुके हैं, अभी कुछ छूट रहा है मेरे से, अब पता नहीं क्या छूट रहा है। ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये छूट रहा था, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, इसे मैं जैसे ही सिलेक्ट करूँगा वैसे ही मेरे 23 क्रेडिट जो है पूरे हो जाएंगे। इसके बाद मैं ओके पे क्लिक करूँगा। इसके बाद हमें सबसे टॉप पे आना है। आप दोस्तों एक बार जो है अपने जो सेक्शन है उसके सामने जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं एक बार वेरीफाई कर लें, क्योंकि अगर आप वेरीफाई नहीं करते हैं और गलत सब्जेक्ट सिलेक्ट कर देते हैं तो आपको दिक्कत होने वाली है। ज़्यादा दिक्कत तो नहीं मगर दिक्कत होने वाली है अगर आप गलत सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमें सिलेक्ट करना है फाइनलाइज सब्जेक्ट, इस पर क्लिक करना है। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ कि मैं भी कहने के चक्कर में शायद मुझसे गलत सब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाए। तो अभी जो सारे सब्जेक्ट हैं वो मैंने जो एक्सेल सीट है उससे मिला लिए हैं। उसके बाद हमें क्लिक करना होगा ये सबसे ऊपर जो फाइनलाइज रजिस्ट्रेशन है, जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे जो क्रेडिट सबमिट फॉर अप्रूवल, मतलब जो हमारे क्रेडिट हैं वो अप्रूवल के लिए सबमिट हो गए हैं। इसके बाद हमें जो सब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किए हैं अगर हम उसे देखना है तो ये आई वाला जो बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे और हमारा जो सब्जेक्ट है शायद वो दिखने लगेंगे, अब पता नहीं, हाँ शायद दिखने लगेंगे। देखिए ये जो स्लिप है ये मेरी खुल चुकी है, इसमें सभी सब्जेक्ट जो हैं वो नीचे पेंडिंग दिखा रहे हैं, ये सब्जेक्ट सारे पेंडिंग दिखा रहे हैं। वो इस वजह से दिखा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट पेंडिंग इस वजह से दिखा रहे हैं क्योंकि जो अभी अप्रूवल के लिए अभी आपने मैसेज देखा था पॉपअप, वो पेंडिंग के लिए जो यूनिवर्सिटी को है वो हमारी एक रिक्वेस्ट जो चली गई है, जैसे वो अप्रूवल करेंगे वैसे जो हमारे जो पेंडिंग रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो जाएंगी। दोस्तों यही था आज का जो वीडियो, रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना। आई होप अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी आती तो आप सीआर से पूछ सकते हैं, अपने सीआर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे भी पूछ सकते हैं। मैं भी ट्राई करूँगा कि मैं आपकी जो क्वेरी है उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेक अ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।